नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आप टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं अपने शरीर में। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है जो आपकी सेक्स पावर को बढ़ाता है, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाइए प्लीज। तो मैंने आज इसमें 6 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ आप अपनी लाइफ में अपना सकते हो आसानी से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं जिसे आप अपने नॉर्मल जीवन के साथ अपने शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाते जाओगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, और वीडियो के नीचे कमेंट करना जिससे मैं आपकी हर भावना को समझ सकूँ। नई कोई बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए तो भी कमेंट करके मुझे जाना, मैं आपके लिए नई वीडियो बना कर लाऊंगा। अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए आप नॉर्मल चीज क्या कर सकते हैं। सबसे पहला 6 टॉप मैं पॉइंट बताऊंगा, 1 by 1 हर पॉइंट आपके काम का है, और वो सारा अपना लिया अपने लाइफ में कभी टेस्टोस्टेरोन की कमी नहीं होगी आपके शरीर में। तो सबसे पहली चीज है आपके शरीर में, आप अपनी लाइफ में जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो सारी ऐड कर लीजिए। हरी सब्जियां जैसे कि पालक हो गया, पत्ता गोभी हो गई, और अपनी शिमला मिर्च हो गई, ऐसी हरी सब्जियां जितनी भी हैं, मेथी हो गई, धनिया हो गया, इन सभी को अपने इस लाइफ में ऐड कीजिए। रोज़ाना कम से कम एक हरी सब्जी खाइए एक टाइम तो, ठीक है। ये हो गई अपनी पहली बात। दूसरी बात, रोज़ाना कच्चा प्याज खाना स्टार्ट कीजिए। आप जब भी खाना खाते हो उसके साथ कम से कम भी एक प्याज रोज़ाना आप कच्ची खाइए, इससे भी टेस्टोस्टेरोन बहुत अच्छा आपका इंक्रीज होगा। और तीसरी आपकी बात करते हैं आगे चलकर, रोजाना सुबह आप उठते हो तो खाली पेट रहता है, खाली पेट अगर आप रोजाना पानी के साथ एक चम्मच शहद पीते हो तो आपके शरीर में शहद भी टेस्टोस्टेरोन बनाने का काम करता है। ये मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूँ नॉर्मल चीजें, आसानी से करने वाली चीजें हैं जो मैं आपको कोई इतना खर्चा नहीं लगेगा और ना कोई दिक्कत आने वाली है। चौथी चीज मैं बना रहा हूँ आपको, अनार। अनार का अगर आप सेवन करते हैं और तो उसमें भी आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। चौथी चीज है लहसुन। लहसुन भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। लोग कहते हैं, लोग तो क्या कहते हैं, बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं यूट्यूब पे लोगों ने कि कच्चा लहसुन खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। वो कहते हैं रोज़ाना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। मैं कहता हूँ क्यों रोज़ाना, आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनको ये दिक्कत आती है कि उनको नाइटफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, उनको और समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। लहसुन जहर नहीं है, अमृत है, लेकिन उसको अपन अति हर चीज़ की जहर बन जाती है। आप इसको खाइए, दो दिन खाइए एक दिन का गैप दीजिए, दो दिन खाइए एक दिन का गैप दीजिए, एक एक दिन खाकर एक एक दिन का गैप दीजिए, 2-3 कली रोज़ सुबह खाली पेट, अच्छा रिजल्ट देगी, लेकिन गैप देना ज़रूरी होगा आपको लहसुन में। अब आगे बात करते हैं अदरक। आप अगर कोई भी खाना सब्जी बनाते हैं या कुछ भी अगर आप खा रहे हैं उसमें थोड़ी सी अदरक डाल लेंगे तो उसमें भी आपको टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, या आप उसका काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, छोटी सी अदरक, ज़्यादा नहीं क्योंकि वो भी आपको गर्म कर सकती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिश ऑयल। फिश ऑयल के कैप्सूल भी आते हैं मार्केट में, या आप फिश भी खा सकते हैं, फैटी फिश, तो उससे भी आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज होगा। ये 6 टॉप मतलब पॉइंट थे, मैंने आपको सारे बता दिए। सबसे सस्ते सरल सुलभ टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए मैंने बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, थंबनेल पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।